पाकिस्तान की मशहूर और नामवर अदाकारा मिनाल खान के घर नन्हे शहजादे की आमद। जी हाँ, मिनाल खान, जिनका शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं में होता है और इनके चर्चे पूरे सोशल मीडिया पे होते हैं, कभी अपने काम और कभी अपनी जाती जिंदगी की वजह से हमेशा खबरों की जीनत रहती हैं। इनकी और इनकी ट्विन बहन एमन खान की फैन फॉलोइंग भी पूरे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है। शायद ही कोई हो जो इन बहनों के नाम या इनके काम से वाकिफ ना हो। बचपन से ही दोनों जुड़वा बहनें एमन और मिनाल मुख्तलिफ ड्रामों में सपोर्टिंग रोल्स करती आ रही हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता लीड रोल्स में आने लगी और फिर पाकिस्तानी ड्रामों की जीनत बन गई। एमन खान ने शादी के बाद अपनी बेटी की परवरिश के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले ली है और पिछले दिनों एमन खान के घर भी दूसरी बेटी की पैदाइश हुई है, जिसका नाम उन्होंने मिरल रखा है। मिनाल खान की शादी उनकी ड्रामा परछाई के को-एक्टर एहसन मोहसिन इकराम से 10 सितंबर 2021 में हुई थी। दोनों को एज अ कपल बहुत शोहरत मिली है, लोग इन्हें साथ देखना काफी पसंद करते हैं। यही वजह है कि मिनाल और एहसन अपनी छोटी से छोटी खुशी को भी अपने फैंस के साथ शेयर करते नजर आते हैं। अब से कुछ देर पहले मिनाल खान ने अपने फैंस के साथ ये खुशी की खबर शेयर की है कि अल्लाह ताला ने इन्हें बेटे की नेमत से नवाजा है। मिनाल खान पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं थी, तहम इनकी बहन एमन खान अपनी वीडियोस में मिनाल खान के बारे में बताती रहती थी और मिनाल खान ने खुद सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए लिखा, वी आर जॉयफुली वेलकम्ड आवर बिलव्ड सनशाइन मोहम्मद हसन इकराम इनटू द वर्ल्ड। जी हाँ, उन्होंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद हसन इकराम रखा है। एमन खान ने भी यही सेम पोस्ट शेयर करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। इनके घर में सब बहुत खुश हैं और ये खबर सामने आने के बाद से ही पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के लोग और इनके फैंस सब मिनाल खान और एहसन को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मारुशा इम्तियाज, हरीफ डिजिटल, लाहौर।